एमयूपीएस अकोला न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अकोला अबुल कलाम आजाद हॉल में बहुचारा जी किन्नर बहुउद्देशीय संस्था खड़की चांदूर तालुका जिला अकोला की ओर से अखिल भारतीय मंगलामुखी किन्नर सम्मेलन चल रहा है। 9 फरवरी के दिन जिला विधि सेवा प्राधिकरण अकोला की ओर से सम्मेलन में विधि साक्षरता कार्यक्रम में तृतीय पंक्ति के कायदेशीर प्रश्न और उपाय की पूरी जानकारी दी गई, जिसमें शामिल हुए ऑल इंडिया से आए हुए 300 से 500 के अंदाज में सभी किन्नर, जहां से तेलंगाना, नागपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, भोपाल, मालवा, एमपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा से इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम की प्रस्ताविक श्री सुरेश पोल साहेब, दीवानी न्यायाधीश व स्तर तथा सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण अकोला, इन्होंने जो किन्नरों के लिए कायदेशीर योजना की जानकारी बताई कि आप भी इंसान हो, आपको भी पूरा हक सरकार ने दिया है, आप भी इस योजना का लाभ उठाएं। और साथ में दूसरे 8वें सह दीवानी न्यायाधीश के स्तर अकोला श्री एसी बिराजदार साहब ने तृतीय पंक्ति के कायदेशीर प्रश्न व उपाय की जानकारी बताई। होने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि शिक्षा, जब तक आपको फॉर्मल शिक्षा लेने में आप सफल नहीं होंगे, तब तक आपके अधिकार आपके हाथ में नहीं आएंगे, और ये शिक्षा के कारण आपकी प्रगति और उन्नति जितने जल्दी हो सके। इस कार्यक्रम में किन्नरों के अधिकारों की माहिती एडवोकेट श्री पीएम तायड़े साहब, इन्होंने जानकारी दी। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई, इनके निर्देश के मुताबिक समाज में गरीब और दुर्बल व मानवीय तस्करी के पीड़ित और वैश्या व पीड़िताना विधि सेवा उपलब्ध करके देने के लिए और शासन के विविध कल्याणकारी योजना की जानकारी देने के लिए विधि सहायता केंद्र लीगल एड क्लिनिक के उद्घाटन 21 सितंबर 2016 ड्रॉप इन सेंटर द्वारा वंदना वासनिक कॉम्प्लेक्स बौद्ध विवार अंबेडकर चौक अकोला यहां पर कराया गया। ऐसी जानकारी जिला विधि सेवा प्राधिकरण अकोला की ओर से दिए गई। इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री श्री रंजीत पाटिल और आमदार गोवर्धन शर्मा, माजी आमदार हरिदास भदे, ट्रैफिक वाहतूक निरीक्षक श्री विलास पाटिल, इन्होंने इस सम्मेलन में भेंट दी। मंगलामुखी किन्नर सम्मेलन अकोला आयोजककर्ता निहन रेखा नायक, अखिल भारतीय मंगलामुखी किन्नर सम्मेलन मध्ये बहुचराजी बहुउद्देशीय किन्नर संस्थेतर्फे बहुचराजी बहुउद्देशीय किन्नर संस्थेतर्फे मी संस्थापक किरण अम्मा यांनी आज जिल्हा विधी प्राधिकरण कार्यालय अकोला यांचे सचिव सुरेश पोळ व माननीय बिराजदारजी आणि ॲडव्होकेट तायडे यांच्या इथे यांना इथे बोलवलं। यांच्या थ्रू जे गव्हर्नमेंटचे फायदे आहेत, कायदे आहेत आणि ज्या शासनाने आरोग्य चिकित्साचं नेमणूक केलेली आहे, यांची त्यांनी इथे येऊन आमच्या किन्नर संमेलनामध्ये सर्वांना माहिती दिली। त्याच्यासाठी माझे व माझ्या गुरुचे आणि माझ्या दादी खामगाव शहनाज नायक यांच्याकडून त्यांचे आभार व्यक्त करते। अकोला मंगलमुखी किन्नर संमेलन में हमारे अकोला के सुरेश पौड़ सचिव माननीय बिराजदार जी और टाइडे सर जी, इन्होंने आके हम लोगों का यहाँ पर किन्नर मंगलमुखी सम्मेलन में हम लोगों को जो टाइम दिया, हम लोगों के किन्नर लोगों के बारे में जो फैसिलिटीज आई सरकार के गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमको इस बारे में मालूम दी। इसलिए हम उनका तहे दिल से अकोला के किन्नर मानिक टॉकिस के पीछे जो हम लोग किन्नर रहते हैं, मैं सिमरन अम्मा जी उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक रेखा नायक व संचालन किरण पवार, आभार प्रदर्शन सिमरन जी ने करे। अखिल भारतीय मंगलामुखी बहुचारा जी किन्नर बहुउद्देशीय संस्था के संस्थापक अध्यक्ष किरण पवार अम्मा जी, इन्होंने हमारे MUPS अकोला न्यूज़ की टीम को दी। कैमरामैन फैजान के साथ इरशाद अहमद की रिपोर्ट। आज या ठिकाणी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अकोला यांच्या मार्फत किन्नर लोकांसाठी या ठिकाणी आयोजित संमेलनामध्ये विधी साक्षरता शिबिर आयोजित करण्यात आले। किन्नर लोकांसाठी जे विविध कायदे आहेत, त्यांचे हक्क याबद्दलची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या ठिकाणी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मी स्वतः जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अकोलाचे सचिव सुरेश पोळ, माझे सहकारी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर श्री बिराजदार साहेब आणि अकोला वकील संघाचे सदस्य ॲडव्होकेट
तायडे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालो। या ठिकाणी एक मी सांगू इच्छितो की समाजामध्ये किन्नर लोकांबाबतचा जो गैरसमज आहे तो समाजाने स्वतःहून काढून टाकावा, समाजाने स्वतःहून या लोकांच्या जवळ पोहोचावं आणि एक सामान्य नागरिकांप्रमाणेच या लोकांशी आपण वर्तन ठेवावं, आपले व्यवहार ठेवावेत, भेदभाव करू नये। ज्याप्रमाणे आपण आज आपल्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे भेदभाव मानत नाहीत, जातीभेद मानत नाहीत, वर्णभेद मानत नाहीत, गरीब श्रीमंती मानत नाहीत, तशाच प्रकारे या लोकांबद्दलही आपण भेदभाव मानण्याचं कारण नाही। त्यांचे अधिकार आपल्या राज्यघटनेने दिलेले आहेत, त्यांना त्यांच्या अधिकारावर हनन करण्याचा किंवा गदा आणण्याचा अधिकार आपल्याला नाही। एवढे बोलून मी माझे दोन शब्द UPS अकोला न्यूज चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।